मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने भटहट ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय बूढ़ाडी में बने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण कर वहां रखे गए प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी हासिल की तथा विद्यालय परिसर में ही निगरानी समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा कि निगरानी समिति का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनकी नियमित रूप से निगरानी होती रहे। मंडलायुक्त ने कहा कि निगरानी समिति के लोगों के बीच कोरोना बीमारी के संबंध में फैली भ्रांतियों को भी दूर करें तथा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि कोरोना के लक्षण दिखते ही तत्काल स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने निगरानी समिति के सदस्यों को स्वच्छता किट भी प्रदान किया। मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने क्वारंटाइन में रह रहे लोगों से स्वास्थ्य एवं खाने पीने के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने हाफिज नगर में पहुंचकर वहां क्वारंटाइन किए गए लोगों से भी स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली तथा मनरेगा के द्वारा कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सहजनवा के कसरवल एवं पूर्वांचल डेंटल कॉलेज में पहुंचकर की जा रही वाहनों की जांच एवं चिकित्सीय जांच सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान डीआईजी राजेश डी मोडक, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीकांत तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और इसलिए ये किया जा रहा है, इनके साथ सर अच्छी तरह से नहीं जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर खाने की क्या जरूरत सर? आ रहे हैं सर, तहसील से खाना खा करके आ रहे हैं। और शौचालय शौचालय से बिल्कुल सही है। शौचालय की व्यवस्था जरूर ठीक रखिएगा, उसमें गंदगी ना होने पाए। देखिए, इस समय जो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जो जोर है वो इस समय निगरानी समिति पर है। और निगरानी का मतलब होता है आंख और कान। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, आपका एक आशा का और गांव, यहां पर ग्राम प्रधान भी है, ग्राम प्रधान आप लोग का एक एरिया है, बाकी सारे कार्य होते रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस समय यह है कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं इनके ऊपर निगरानी रखी जाए। और इसलिए निगरानी समिति, अब निगरानी समिति को कुछ चीजें ऐसी हैं जो करनी है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो होने नहीं देनी है या नहीं करनी है। करना क्या है? करना ये सबसे पहले तो ये करना है कि निगरानी समिति के सदस्य खुद कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जो चीजें की जानी है वो किया जाना चाहिए। जैसे कि हम जब खुद खड़े हो तो दूर दूर खड़े, हम जब खुद खड़े हो तो मास्क लगाए हो, हम जब खुद खड़े हो तो या कहीं जा रहे हो साबुन से हाथ धो के दिखाएं जिससे 10 लोग देखें तो उस पर फर्क पड़े। आपको देख के गांव वाले सीखेंगे। हम खुद यदि इकट्ठे खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि हम वाणी से अपने कहेंगे लोग मानेंगे, वो ऐसा नहीं होगा। तो आपका पहली बार तो व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसको देख के लोगों को लगे कि हाँ ये अब किया।